बीजेपी के कार्यकर्ता सत्येंद्र जैन ने जीतू पटवारी जी के 142 सांसद के निलंबन के विरोध में धरना प्रदर्शन पर अपना पक्ष रखा। आपने जिस प्रकार से मिमिक्री की थी वो भारत का अपमान है। कांग्रेस जिस प्रकार से राजनीति करती है वह देश विरोधी राजनीति है। इसी के साथ कांग्रेस के निरंतर हो रही बैठकों के ऊपर कहा कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष इंसान को बनाया जो कहता है पार्टी गई तेल लेने, मेरा ध्यान रखिए। ऐसे बयानों ने एक नकारात्मक प्रभाव डाला है कांग्रेस पर। इसी के साथ ही कहा कि वो हमारी माँ बहनों का भी अपमान करते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ भी अनहोने हाथापाई करते हैं। उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सनातनियों की आतंकवादी बताते हैं, इस वजह से सब में निराशा का भाव है। कांग्रेस स्वयं ही गोल कर रही है, हाँ क्रिकेट की भाषा में कहें तो विकेट हो जाता है। हाल ही में अभी जीतू पटवारी जी ने 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो निलंबन हुआ था तो जब सर्वदलीय बैठक होती है लोकसभा के अंदर तो सभी सांसदों ने स्वीकारा कि हम कोई प्ले कार्ड्स नहीं लेके जाएंगे, सबने सहमति प्रदान की, सबने वहां बताया। और फिर उसके बाद में जब जाते हैं वेल में, जब अनुशासनहीनता करते हैं स्वयं, एक तो आप नियम मत मानो, जब आपकी सर्वदलीय बैठक थी तो आपको मना कर देना था कि साहब हम नहीं मानेंगे ऐसा नियम, और जब आपके ऊपर कार्रवाई होती है तो आप दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, दो तरह के ऐसे व्यवहार नहीं चलेगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये जो आंदोलन किया, जिस पर एक तो स्वयं ने ही एक तो भारतीय संविधान का अपमान कर दिया, और भारतीय संविधान का अपमान तो भारत देश का अपमान हो जाता है। देश का अपमान तो आप सोचिए, जब देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? तो कांग्रेस ही ऐसे हैं, ये देश का ही अपमान कर देते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा के सभापति हैं, वो एक संवैधानिक पद होता है, और उनकी मिमिक्री कर रहे हैं। और सोचिए, राहुल गांधी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, बड़े सीनियर बार बार सांसद रहे हैं, और वो वीडियो बनाते हैं। तो स्वयं आप जो संवैधानिक पद का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान मतलब भारत का अपमान है, राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं आप, देशद्रोह कर रहे हैं, और उसके बाद आप जाते हो जगह जगह आप विरोध करते हो। तो भारत की जनता ये समझ चुकी है आपके पाखंड को नहीं आने वाली, क्योंकि ये संवैधानिक पद होता है, वहां व्यक्ति नहीं होता है, वहां राष्ट्र होता है, और राष्ट्र का पद है उपराष्ट्रपति या लोग राज्यसभा के सभापति। आपने जिस प्रकार से उनका मिमिक्री की थी वह भारत का अपमान है, संविधान का अपमान है भाई, जनता ने जाना। और इस प्रकार की देखिए, संसद में चूक हुई, जो घटना हुई थी वे भारतीय जनता पार्टी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि गंभीर घटना है, इसकी जांच हो रही है। जब लोकसभा ने कमेटी बना दी उसकी जांच की, चूंकि संसद के अंदर घटना हुई है, लोकसभा उसका सारी जिम्मेदारी देखता है, वही वो अधिकृत रहते हैं, उन्होंने समिति बना दी, समिति की जब जांच होगी उसमें सामने आएगा। और जो आरोपी है उनके ऊपर तो UAPA लगाया गया है, और इस प्रकार से संसद में आज पहली बार घटना नहीं हुई, और उसको बेरोजगारी का रूप देना और युवाओं की बात करना कि युवाओं ने ऐसा किया, मुझे लगता है वो सभी कांग्रेस से प्रेरित रहे हैं, कांग्रेस के लोग हैं। और बेरोजगारी की अगर बात करते हैं तो देखिए, 1974 में इंदिरा गांधी जी भी थी जब प्रधानमंत्री, उस समय भी संसद में गए कई लोग ऐसे घुस जाते थे, तमंचा लेके घुस गए, कई बार बंदूक लेके घुसे हैं, 1984 में घुसे हैं, और 1994 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब घुसे हैं, 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब संसद में कई बार सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था। तो ऐसी समय पे भी क्या बेरोजगारी के कारण किया था? ये हताशा और निराशा झलकती है कांग्रेस की। देखिए, सुरक्षा चूक है, गंभीर मामला है, उसकी जांच होने दीजिए, आएगा। लेकिन इस प्रकार से आप बेरोजगारी का रूप देते हो और उन युवाओं, उनको युवा कहते हो, भूले भटके युवा कहते हो, तो ये बहुत ही निंदनीय है। जो भी है सच सामने आएगा, और कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप राजनीति करती है, देश विरोधी राजनीति हो जाती है। कांग्रेस को पता ही नहीं चलता कि कब वो देश विरोध करने लगते हैं। आज भी हुई, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा जो बैठक कर रही है, उनकी कार्य, उनके लोगों ने उनको नेतृत्व परिवर्तन कर दिया। एक वहाँ उनके मीडिया प्रमुख हैं, वो सब कहते रहे, और बड़े नेता भी कहते रहे, नहीं नहीं कमलनाथ जी रहेंगे, लोकसभा चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में होगा, वो ही अध्यक्ष रहेंगे। और आप फिर पूरी नई टीम बदल दी जाती है, अध्यक्ष भी उनको बना दिया, जीतू पटवारी जी को बनाया, जो स्वयं कहते हैं कि कांग्रेस जाए तेल लेने में मेरा ध्यान रखिए, जो अपने कार्यकर्ताओं को ही अपमानित कर देते हैं, उनको
ऊपर प्रहार कर दे, शारीरिक प्रहार किया उन्होंने जब वो मंत्री रहे। इसी प्रकार से महिलाओं का भी उन्होंने अपमान किया, वो कहते हैं महिलाएं जो है 200-500 रुपए लेके एक अधोवस्त्र में रख लेती हैं, उस पर्टिकुलर शब्द को मैं नहीं बोल रहा, तो सारी महिलाओं का अपमान कर देते हैं और रख ले और 200-500 रुपए लेके महिलाएं रख लेती हैं और पुरुष जो है शराब पीते रहते हैं इस प्रकार से। और ये भी उन्होंने नफरती हिंदू भी चुनाव विधानसभा चुनाव के समय भी उन्होंने कहा कि वो नफरती हिंदू नहीं है तो मध्य प्रदेश के दूसरे लोग नफरती हिंदू हैं, तो इस प्रकार से सनातनियों का भी विरोध कर देते हैं, तो सनातन भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, उनसे महिलाएं भी डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं और कार्यकर्ताओं में भी उनका अपमान किया गया, तो उनमें भी निराशा का भाव है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस किस प्रकार से स्वयं ही फुटबॉल की भाषा में आत्मघाती गोल करती है, सेल्फ गोल कर लेती है, या क्रिकेट की भाषा में कहें तो स्टंपिंग हिट विकेट हो जाती है।